हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। और मध्य प्रदेश का जो प्राचीन इतिहास है वो वैसे ही है जैसा भारत का प्राचीन इतिहास है, यानी मैं वर्गीकरण की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कुछ जो फैक्ट्स हैं जो स्लाइड्स में नहीं होंगे वो मैं आपको अलग से बताता रहूँगा। आप चाहें तो इसको एक नोटबुक लेके उस पर लिख सकते हैं, या जैसे भी आपको नोट्स बनाने हैं आप उनको बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बुक्स में मिल जाएंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। तो आप अपने नोट्स अगर आप चाहें मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास के लिए तो आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, इतिहास के बारे में थोड़ी सी एक चीज़ हम सबसे पहले जान लेते हैं कि जो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी भारतीय उपमहाद्वीप की अगर हम बात करें तो भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, पूरा जो एरिया है, श्रीलंका हो गया, तो ये पूरे उपमहाद्वीप में आदि मानव का कोई भी जीवाश्म प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, आदि मानव का जीवाश्म कोई भी प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, यहां से मतलब आदि मानव के बारे में जानकारी नहीं मिली है। ठीक है, लेकिन मानव के जिस रूप के साक्ष्य यहां पे मिले हैं, उसको कहा जाता है रामापिथेकस। इसको अफेक्ट को याद कर लें, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाता है। और भारत में मानव का जो सर्वप्रथम साक्ष्य है वो नर्मदा घाटी में मिला था, हथनौरा करके जगह पर, भोपाल के आसपास एक गांव है एक हथनौरा, यहां पर सबसे पहले मानव का साक्ष्य मिला था और ये मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। प्रागैतिहासिक काल जो है, या भारतीय पुरातत्व जो है, भारतीय पुरातत्व का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, इसको याद रखें, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल का जनक, प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक भी कनिंघम को ही कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पे एक डॉक्टर प्राइमरोज का नाम आता है। डॉक्टर प्राइमरोज ही थे जिन्होंने सबसे पहले 1842 ईस्वी में, ठीक है, इस फैक्ट को आप लिख लें, 1842 ईस्वी में एक अंग्रेज थे, इन्होंने कर्नाटक में एक जगह है रायचूर जिले में एक जगह है जिसका नाम है लिंग सुगुर। इस जगह पर इन्होंने सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल के औजारों की खोज की थी। ये फैक्ट आप इतने याद रख लें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में बात करेंगे, प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। जो इतिहास है उसको तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, ठीक है, इतिहास का जो वर्गीकरण है वो इसी तीन तरीके से करते हैं। प्रागैतिहासिक काल की, यानी जो पाषाण काल, पाषाण मतलब होता है पत्थर, स्टोन एज इसको कहा जाता है। ठीक है, स्टोन एज, यहां पर क्या होता है, जो उपकरण या जो हथियार बनाते थे हमारे जो आदि मानव थे, पुराने जो मानव थे, वो पत्थर के बनाया करते थे। ठीक है, और इसका जो काल है वो है जब से मानव की उत्पत्ति हुई तब से लेके करीब करीब 3000 ईसा पूर्व तक। आद्य ऐतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल की एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे जो मानव था वो घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया गया है। ठीक है, उसे ही प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि मानव यहां लिखना ही नहीं जानता था। और जब मानव यहां पर लिखना ही नहीं जानता था तो ऐसा कुछ हमें मिलेगा ही नहीं। दूसरा होता है हमारा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल का जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 3000 ईसा पूर्व से लेके, ईसा पूर्व है 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। तो इस ड्यूरेशन में, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं क्योंकि इनके पास लिपि तो थी, ये लोग लिखना तो सीख गए थे, लेकिन इनकी जो लिपि है वो हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। ठीक है, तो जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख नहीं पढ़े जा सके उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। तीसरा होता है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में क्या है, इनके पास लिपि भी थी और इस लिपि को या इनका जो लेखन है, लेखन कार्य है, उसको हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऐतिहासिक काल और इसी को कहा जाता है लौह काल, क्योंकि लोहे की अधिकता, लोहे के जो उपकरण है वो बनाए जाने लगे थे, कृषि पूरे तरीके से मनुष्य करना सीख गया था, लड़ना सीख गया था, ये सारी चीजें इसी में आप पढ़ेंगे। तो मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। ठीक है, तो ऐतिहासिक काल में आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। अब देखिए, आपका जो प्रागैतिहासिक काल है
प्रागैतिहासिक काल आपका आगे चल के तीन और पार्ट में डिवाइड होता है, तीन ऐतिहासिक कालांतर इससे बनते हैं, जिसमें पुरापाषाण काल होता है, मध्यपाषाण काल होता है और आपका नवपाषाण काल होता है। तो पुरापाषाण काल जिसको बोलते हैं हम पैलियोलिथिक एज, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैलियोलिथिक एज, ठीक है। मध्यपाषाण काल को बोलते हैं मेसोलिथिक, लिथिक मतलब होता है स्टोन पत्थर, ठीक है। और नवपाषाण काल जो होता है इसको बोलते हैं नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। तो टाइम बाय मैं इसका नहीं बता रहा हूं, इतना सच आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा। तो पुरापाषाण काल को भी आगे चल के तीन और पार्ट में डिवाइड किया जाता है। वो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? एक होता है लोअर पैलियोलिथिक एज यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा होता है आपका मिडिल पैलियोलिथिक एज और तीसरा होता है आपका अपर पैलियोलिथिक एज। इन तीन पार्ट्स में और आगे चल के डिवाइड किया जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में इतना कुछ नहीं है, तो इसको हम पूरा पुरापाषाण काल के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पुरापाषाण काल की अगर बात करते हैं, तो पुरापाषाण काल में जो इसका पूरा जो श्रेय जाता है पुरापाषाण काल का, वो जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को, क्योंकि इन्होंने, रॉबर्ट ब्रूसफुट इन्होंने यही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में तमिलनाडु के पल्लावरम नामक स्थान पर पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। तो स्टार्टिंग किसने करी थी? रॉबर्ट ब्रूसफुट ने करी थी। ये है आपके रॉबर्ट ब्रूसफुट, इन्होंने इसकी स्टार्टिंग करी थी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी, चंबल, बेतवा घाटी, सोनार घाटी, सोनार घाटी में भी जो स्थल हैं वो हैं धोगरा, हैरात, नरसिंहगढ़ और मारियादा, ठीक है। इसके अलावा सोन नदी घाटी और भीम बैठका की गुफाएं, ठीक है, ये जो हैं आपकी पूर्व पाषाण युगीन स्थल हैं। जैसे नर्मदा घाटी है, तो नर्मदा घाटी में पूरी नर्मदा घाटी, चंबल घाटी, बेतवा घाटी कहीं कहीं मिले हैं, कहीं कहीं नहीं मिले हैं। तो इस तरीके से ये पूरा आपका है। अगर मैं आपको इसमें, अगर हम मैप में देखें मध्य प्रदेश के, तो ये जो आपकी रिवर्स हैं जिसमें जैसे जैसे आपकी ये आपकी यहाँ से नर्मदा नदी गई है, तो यहाँ से लेके लास्ट तक, यहाँ मतलब आप देख लीजिए जबलपुर से लेकर आपके नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, यहाँ तक पूरे में कहीं ना कोई स्थल हमें मिला है, जिसमें से सबसे ज़्यादा स्थल जो मिले हैं वो यहाँ पर मिले हैं हमें। जैसे जीवाश्म में मिले हैं, तो जीवाश्म नरसिंहपुर से लेके हरदा तक जीवाश्म मिले हैं, यहाँ से ऊपर तक भी जीवाश्म जबलपुर तक मिले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो सोनार नदी है, नदी घाटी का मतलब होता है उस पर्टिकुलर नदी और उसकी जो सहायक नदियाँ हैं उनसे बनने वाला जो क्षेत्र होता है वो नदी घाटी क्षेत्र आपका कहलाता है। तो सोनार नदी जो है आपकी, ऐसे ही आपकी सोनार नदी घाटी है, तो उसमें भी काफ़ी स्थल मिले हैं। जैसे दमोह है, दमोह में बहुत सारे स्थल मिले हैं, सागर में बहुत सारे स्थल मिले हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका रहेगा। तो बेतवा नदी हो जाएगी आपकी, एक आपकी नर्मदा नदी हो जाएगी, आपकी चंबल नदी घाटी हो जाएगी, जैसे हमें नीमच में भी कुछ स्थल मिले हैं, मंदसौर में भी कुछ स्थल मिले हैं, ठीक है, यहाँ से कुछ स्थल ग्वालियर में भी मिले, ठीक है। तो ये पूरा आपका चंबल नदी घाटी आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो ये पूरे जो स्थल हैं जहाँ से हमें इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिली है। अब हम बात करते हैं कि जो नदी घाटी हैं इनका जो उत्खनन है या किस किसने करवाया, तो इसका श्रेय किसको जाता है, सर्वेक्षण किसने किया? तो डॉक्टर HD साकलिया, सुपेकर, RB जोशी और बीलाल, ये चार लोग हैं, इन्होंने नर्मदा घाटी का सर्वेक्षण किया है, ठीक है। और जो पुरापाषाण काल की कुल्हाड़ियां हैं वो नर्मदा घाटी के उत्तर में देवरी यानी कि ये सागर में आता है, सुपचाई नाला, बुरधाना, केड़ घाटी, वरखुस, संग्रामपुर के पठार और दमोह से ये कुल्हाड़ियां, पुरापाषाण कालीन कुल्हाड़ियां मिली हैं। होशंगाबाद और नरसिंहपुर के बीच की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ के जो बीच की नर्मदा घाटी है वहां पर जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। और ये जो जीवाश्म है, इनके बारे में हम आगे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसका जो सर्वेक्षण है, सबसे पहले सर्वेक्षण थियोबेंड ने किया था 1860 में, होशंगाबाद और नरसिंहपुर शहरों के बीच की नर्मदा घाटी का। ये फैक्ट आप यहां पर याद कर लें। नरसिंहपुर स्पेशली देवकछार, बर्मान घाट और ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य, ठीक है, कहां कहां? नरसिंहपुर, ऊपरी नर्मदा के अमरकंटक से हरदा के मध्य और जबलपुर से स्तनधारी पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। पशुओं के जीवाश्म प्राप्त हुए, तो हमें ये पता चल जाता है कि ये लोग पशुओं को पालते थे, ठीक है। तो ये पूरे स्थल है आपके, जबलपुर हो जाएगा, हरदा से लेकर अमरकंटक से लेकर हरदा तक हो जाएगा और आपका नरसिंहपुर हो जाएगा। ये जगह है, इनको आप जरूर एक बार दिमाग में रख लें। जबलपुर में जो स्थल मिले हैं वो भेड़ाघाट के पास से मिले हैं, जहाँ पे जीवाश्म है मैं इनके मिले हैं। अगर हम जबलपुर के जीवाश्म की या जबलपुर की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले 1828 में
एशिया में सबसे पहली बार डायनासोर के जो जीवाश्म है वो जबलपुर में ही खोजे गए थे। ठीक है, प्रदेश में जो नर्मदा घाटी क्षेत्रों से डायनासोर की अस्थियां और अंडों के भी जीवाश्म मिले हैं, नर्मदा घाटी के और भी क्षेत्रों से। ठीक है, इनको अंग्रेजों ने टेम्स नदी के तट पर जो म्यूजियम बनाया है उसमें उनका संग्रहण किया गया है। इसके अलावा ये रिसेंट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 2010 के बाद की बात है, धार जिले में 8,000 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर सारोपॉड के पैरों की फीमर हड्डी, जो जांघ की हड्डी होती है उसको फीमर हड्डी कहते हैं, उसके जीवाश्म इनको मिले हैं। नर्मदा घाटी जो है वो अनूपपुर से शुरू होती है, उसके बाद फिर जबलपुर, हांडिया, डिंडोरी, डिंडोरी में आपको पता होगा जीवाश्म पार्क यहाँ पे बनाया गया है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म नेशनल पार्क यानी फूजल नेशनल पार्क डिंडोरी में ही इसलिए बनाया गया है। फिर आपका मंडला, धार, मनावर, जीराबाद, नरसिंहपुर, देवकछा, गाडरवाड़ा, सीहोर और होशंगाबाद, ये इलाके हैं जहां पर डायनासोर के अलावा पेड़ों के जीवाश्म भी बड़ी संख्या में यहां पर पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारे हैं आपको, ये फैक्ट्स जो हैं आपको वो याद रखने होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हथनोरा से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, भोपाल के निकट ये जगह है, नर्मदा घाटी के अंतर्गत ये जगह आती, तो सबसे पहले मानव की खोपड़ी के साक्ष्य यहाँ से मिले थे। हथनौरा की अगर हम बात करते हैं तो ये 1982 में भोपाल के निकट नर्मदा नदी घाटी के किनारे बसे हथनौरा गांव से आदि मानव की उत्पत्ति की जानकारी मिली थी, और यहाँ से आदि मानव का जो कंकाल है यानी खोपड़ी का भाग मिला था, और इसका जो आंकलन है वो ESR पद्धति, जिसको इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस डेटिंग पद्धति कहते हैं। ठीक है, याद रखें, तो इससे हमें ये पता चला था कि ये जो कंकाल है वो करीब 3.5 लाख वर्ष पुराना है, और इसको खोजा किसने था, ये जो जीवाश्म था ये अरुण सोनकिया पुरातत्वविद थे, इन्होंने खोजा था, और मानव जीवाश्म इन्होंने ही सबसे पहले खोजा था, भूवैज्ञानिक थे। हथनौरा से हाथी का सबसे पुराना जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, इतने फैक्ट्स जो हैं आपको हथनौरा के बारे में याद करने होंगे, ये फैक्ट्स जो हैं ये मैंने अलग से इंक्लूड किए हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए इनको फैक्ट्स और आप चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं महादेव पिपरिया। देखिए, पिपरिया जो है वो ये होशंगाबाद में है, पचमढ़ी के पास में। ठीक है, तो ये पिपरिया वो पिपरिया नहीं है, ये महादेव पिपरिया है, जो कहाँ पर है, नरसिंहपुर में है। इसमें जो सुपेकर पुरातत्वविद हैं इनको 860 औजार प्राप्त हुए थे। नर्मदा के जो स्तरीय साक्ष्य हैं उसके लिए महेश्वर, आदमगढ़, महादेव पिपरिया आदि स्थान पर उत्खनन का जो कार्य है वो मैक्राउन, डॉक्टर साकलिया, एपी खत्री, आरबी जोशी और शिव बराव इनके नेतृत्व में ये जो साक्ष्य हैं निकालने के लिए उत्खनन का जो कार्य है वो इन 5 लोगों के नेतृत्व में किया गया। ये फैक्ट आपको याद रखने के, नर्मदा घाटी से संबंधित पुरातत्वविद कौन है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चंबल घाटी की अगर हम बात करते हैं तो मंदसौर और नाहरगढ़ में एपी खत्री, एस के श्रीवास्तव और वीएस वाकणकर इन्होंने पुरापाषाणकालीन औजार खोजे हैं। बीबी लाल जो थे उन्होंने ग्वालियर क्षेत्र से पुरापाषाणकालीन औजार खोजे हैं। निसार अहमद ने सोन घाटी के उत्खनन में कई स्थानों से अवशेष प्राप्त किए हैं। तो इनके नाम और इनकी घाटी के कहाँ से इन्होंने उपकरण प्राप्त किए हैं ये आपके लिए याद करना होगा। जीआर शर्मा की अगर हम बात करते हैं तो सतना और रीवा यानी जो बघेलखंड वाला जो क्षेत्र है वहां इन्होंने उत्खनन में करीब करीब 100 से अधिक पाषाणयुगीन स्थलों की खोज की है। नरसिंहपुर से आद्य सोहन किस्म के गंडासे और खंडक उपकरण तथा चौथरा किस्म के हस्त कोठार और बिदारणिया आदि प्राप्त हुए। देखिए, ये अलग अलग प्रकार के उपकरण होते हैं, हालांकि आपको ये नहीं जानना जरूरी है कि कौन से उपकरण कैसे होते हैं, ये कभी नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर आप UPSC का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे इस लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, MPPSC या PSC कोई भी हो, उस लेवल पे आपके ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, हाँ, हस्त कोठार आपको पता होना चाहिए। हस्त कोठार मतलब होता है हाथ की जो कुल्हाड़ी होती है, बिदारणियाँ होती हैं जिनको मारते हैं अपन तो वो अंदर घुस जाता है, इस टाइप के जो हथियार होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के जो हथियार हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे पत्थर के जो हथियार हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो मिले हैं उनके बारे में। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भीम बैठका और रीवा क्षेत्र से छुरी और छैनी मिली है। इसके अलावा भीम बैठका की गुफाओं से निवास स्थलों की एक श्रेणी प्राप्त हुई है, तो इसके बारे में हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और यहीं से एशियुलियन उपकरण की प्राप्ति से बड़ी आबादी का संकेत मिला है, जो बिदारणियों के निर्माण में अत्यंत कुशल और अनुभवी थे। अब देखिए, एशियुलियन उपकरण क्या होते हैं, एशियुलियन उपकरण जो होते हैं ये विशेष प्रकार के पत्थरों से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये हथियार ही होते हैं एक प्रकार के, और एक ऐसा पत्थर होता है जो टूटता नहीं है और नुकीला भी होता है। ठीक है, और ये जो इनको बनाने की जो तकनीक होती है, ठीक है ना, इस तकनीक को एशियुलियन
नाम दिया है वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो यहां से एश्यूलियन उपकरण की प्राप्ति से बड़ी आबादी का संकेत मिलता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंगम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, तो हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं, ये पूरा था हमारा पुरापाषाण काल। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल जो है वो भारत में इसकी खोज का जो श्रेय है, मध्य पाषाण काल की खोज का जो श्रेय है वो दिया जाता है सी एल कालाइल को। ठीक है, इन्होंने 1867 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में, ठीक है ध्यान रखें इसको, 1867 में विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरणों की खोज की थी। लघु पाषाण उपकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रोलिथिक। माइक्रो मतलब होता है बहुत छोटा, मतलब 10^6 मीटर इसको बोलते हैं माइक्रो को। ठीक है, 10^6 मीटर, हालांकि इतना छोटा उपकरण तो हो नहीं सकता है। माइक्रो मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, तो इस प्रकार के इन्होंने उपकरण की खोज यहां से करी थी सबसे पहले। ठीक है, और इस काल की संस्कृति की अगर हम मध्य प्रदेश में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है जबलपुर के समीप बड़ा शिमला नामक पहाड़ी। ये बिल्कुल रट डालें आप, बड़ा शिमला नामक पहाड़ी इनमें से किस स्थल से, किस काल से संबंधित है? आपको चार ऑप्शन देंगे, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न आपका एग्जाम में बन सकता है। उपकरण जो है आप देख सकते हैं, माइक्रोलिथिक जो उपकरण है वो इस टाइप के जो उपकरण है, ब्लेड अवयव ये कहलाते हैं, जो ब्लेड के शेप में होते हैं, मतलब जिनसे कोई चीज काटी जा सकती है। ठीक है, भीमबेटका शिलाश्रय जो है और गुफाएं जो है, उनसे मध्य पाषाण काल के बहुत सारे उपकरण प्राप्त हुए। मैं एक चीज और आपको बता दूं, एक राजस्थान में एक जगह है बागौर, वो भी ये भी स्थल है जो आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा हमारा जो आदमगढ़ है, ठीक है, आदमगढ़ के बारे में भी हम बात करेंगे, वो भीम बैठका है। ठीक है, आदमगढ़ आपका कहाँ पर आता है? होशंगाबाद में आता है। भीम बैठका आपका रायसेन जिले में आता है। तो यहाँ से सबसे पहले पशुपालन का, मतलब एक जगह है, यहाँ से सबसे पहले, इन तीन जगहों से सबसे पहले पशुपालन का साक्ष्य मिला है। ध्यान रखें इस फैक्ट को, बिल्कुल रट डालें, पशुपालन का सबसे पहला साक्ष्य इन तीन जगह से प्राप्त हुआ है। और इसी में मानव ने कुत्ते को पालना सीख लिया था, यानी कुत्ते को पालतू बना लिया था। ठीक है, तो ये है आपका पूरा। अब हम बात करते हैं, बीबी मिश्र ने भीमबेटका में मध्य पाषाणकालीन ब्लेड अवयवों के विकास को अनुरोधित किया है, यानी इन्होंने खोजा है। होशंगाबाद जिले में स्थित आदमगढ़ शिलाश्रय में आरबी जोशी ने 1964 में लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए। ठीक है, किसने किए? आरबी जोशी ने कब किए? 1964 में। कितने? 25,000। इसके अलावा आदमगढ़ में पालतू जानवरों की हड्डियां भी बड़ी मात्रा में पाई गई हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा आदमगढ़ के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य के होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास स्थित है, यानी नर्मदा घाटी की हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। आदमगढ़ में 20 चट्टानी आश्रय चित्रकारी से सजे हैं, जो लगभग 4 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, और ये जो आश्रय हैं ये पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के हैं, और खुदाई से इस सामग्री का पता हमें लगा है, जो चीज़ें मिली हैं वहाँ से, खुदाई से मिली हैं। कुल 20 शैल आश्रय हैं जिनमें पाषाण और ऐतिहासिक कालीन मानव द्वारा बनाए गए उत्कृष्ट चित्र यहाँ पर विद्यमान हैं। बहुत सारे उपकरण भी यहाँ पर मिले हैं प्रचुर मात्रा में। ठीक है, तो जैसे हमने अभी बताया कि आदमगढ़ शैलाश्रय से कितने 25,000 लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, तो यहाँ पे इससे ही पता चलता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते थे। इसके अलावा पशुओं के तो बहुत सारे चित्र मिले, हाथी के चित्र मिले हैं, सांभर के चित्र मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे पशुओं के चित्र मिले हैं, लेकिन जिराफ समूह है यहाँ पर एक नजर आता है चित्रों में। इससे हमें पता चलता है कि लोग जिराफ भी वहां होता था। ठीक है, तो ये कहीं और जो शैलाश्रय मिले उनमें कहीं भी जिराफ नहीं दिखा है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे आदमगढ़ के आसपास जिराफ रहे होंगे। इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक करंट अफेयर आपका 2-3 साल पुराना है हालांकि, तो आदमगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वहां पे एक पार्क बनाने की तैयारी कर रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आगरा, तो ये वहां के लिए ड्राइंग डिजाइन तैयार कर रहा है। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। ये पूरा था आपका आदमगढ़ के बारे में, फैक्ट्स आप याद रखें। फिर हम बात करते हैं नवपाषाण काल के बारे में। तो देखिए, नवपाषाण काल का जो सबसे पहले जो उपकरण खोजे गए थे वो किसके द्वारा खोजे गए थे, ये नाम जानना बहुत जरूरी है। ये थे एच सी मैस्यूरर। इन्होंने सबसे पहले कहाँ से खोजे थे?
कब खोजे थे? 1860 ईस्वी में खोजे थे। कहां से? उत्तर प्रदेश से। उपकरण इन्होंने खोजे थे। अच्छा, ये जो नवपाषाण नाम है यानी कि न्यूलिथिक जो नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया? ये भी फैक्ट एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसका प्रयोग सबसे पहले किया था जॉन लुबाक, सर जॉन लुबाक, ये भी एक अंग्रेज था। इसने सबसे पहले शब्द का प्रयोग 1865 में किया था। ठीक है, 1865 में शब्द का प्रयोग इसने सबसे पहले किया था। देखिए, तो नवपाषाण काल की विशेषता क्या है? नवपाषाण युग में कृषि व्यवहार का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, पशुपालन करना सीख ही गया था, मृदभांड बनाना सीख गया था। ये पूछा जाता है कि मृदभांड बनाना जो है वो किस काल से संबंधित है, तो वो नवपाषाण काल से संबंधित है। कुछ वस्त्र बनाने लगा था, घर बनाने लगा था। अब देखिए, कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, तो घर तो अपने आप बनाएगा ही। कृषि करना होगा तो घर तो उसको बनानी पड़ेगा। अस्त्र शस्त्र, अब जंगलों में रहता है तो अस्त्र शस्त्र भी वो बना के रखा गया रखेगा। अग्नि का प्रयोग, पहिए का आविष्कार, इतनी सारी चीजें जो हैं, जो सब चीजें नवपाषाण काल में ही मनुष्य के अंदर आई हैं। ठीक है, तो ये है आपका पूरा। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कुछ औजार हैं जिनमें सेल्ट, कुल्हाड़ी, बसूला, ये पॉलिशदार के रूप में पॉलिश भी कर रहा है उसको। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के सागर से, सागर में स्पेशली एरन और गढ़ी मोरीला से, एरन के बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, गढ़ी मोरीला, जबलपुर में मुनई कुंडम और बुरचेका से, और दमोह में हटा से, होशंगाबाद और छतरपुर में जतकारा से, इन जिलों में प्रमुख रूप से नवपाषाण कालीन स्थल पाए गए हैं। तो ये था पूरा हमारा नवपाषाण काल का पूरा विवरण। इसके अलावा आपको ज़्यादा डिटेल में और नहीं जाना है। तो गाइज, ये था हमारा पूरा मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद फिर हमारा अगला जो काल है वो है आद्य ऐतिहासिक काल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।